press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पर। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे अंबर जैदी जी को, जो कि एक जबरदस्त पत्रकार हैं, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस है कि अगर आप वोटर्स को कुछ भी इस तरह की लालच देते हैं जिसका रियलिटी से सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, या आप बिना सरकार में आए हुए इस तरह के वादे कर कैसे सकते हैं। टीवी पे आपने झूठ बोला, ऑन ग्राउंड वोटर्स के साथ आपके ही कार्यकर्ता झूठ बोलते नजर आते हैं। तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक दायरा तय हो कि चुनावी प्रमोशन, चुनावी इस तरह के भाषण के दौरान आप क्या क्या बातें, किस तरह की वादे और दावे कर सकते हैं। बड़ी बात है, लेकिन हमारे देश में कुछ भी नैरेटिव सोशल मीडिया हो, कुछ भी घर दिया जाता है। संविधान बदलने की बात हो रही है कि देश में संविधान बदल दिया जाएगा और मोदी जी को हटाने के लिए सब एक साथ आते हुए, लेकिन मोदी जी को हटा नहीं पाए, ये भी बड़ी दुख की बात है। मुसलमान अपने अपने वजूद की दुहाई भी दे दिए कि मुसलमानों को अगर अपना वजूद बचाना है तो मोदी को हटाना है, ये स्लोगन भी बन गया। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति पूरी भारी बहुमत के साथ 10 साल लोकसभा और राज्यसभा में बैठा रहा, उस व्यक्ति ने संविधान को मतलब सुरक्षा करने की कोशिश की, संवैधानिक तरीके से कई अमेंडमेंट और कई बिल को पास करवाया, संवैधानिक तरीके से कश्मीर में कश्मीर के 370 आर्टिकल को हटाया और आज कश्मीर पल पुल रहा है, और उस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया कि भाई वो संविधान ही बदल देगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि चुन चुन करके हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका, जो अक्सर शरिया की बातें सुनते हैं, अक्सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें सुनते हैं, उनके उनके पिटिशन को एक्सेप्ट करते हैं, मुझे लगता है कि अब उन तमाम लोगों को बुला करके पूछना भी चाहिए कि भैया ये फुलझड़ी और ये सुतली बम लगाया किसने था कि संविधान बदल दिया जाएगा। देखिए, मुसलमान जो है ना, इनका इनके इनका वजूद एक्चुअली में खत्म हो चुका है, हो चुका है। आप सोचो अंबर, आप भी मुस्लिम फैमिली से आ रही हो और मैं भी मुस्लिम फैमिली से आ रही हूँ, मेरी फैमिली में एक भी मेल फीमेल ने इंटर रिलीजन शादी भी नहीं की है, मतलब प्रॉपर मुस्लिम, प्रॉपर मुस्लिम। अब आप सोचो कि ये लोग, हमने ऐसे मुसलमान पिता को देखा है जो अपनी बेटी की शादी करते हैं जिसके घर में और जिस लड़के की ऑलरेडी 3 बीवियां होती हैं, फिर भी पिता कर देते हैं, मुसलमान बाप। हमने ऐसे भी मुसलमान पिता को देखा है जो अपनी बेटी के तलाक पर बिल्कुल भी मायूस नहीं होते हैं, बिल्कुल मायूस नहीं होते हैं। ये तो इस्लाम है, हो सकता है। मैंने ऐसे भी पिता को देखा है जो अपनी बेटी के हलाला पर बिल्कुल भी नफरत या अपनी आवाज ऊंची नहीं करते हैं कि ये नंगा नाच मेरी बेटी के साथ नहीं होगा, इस्लाम। हमने ऐसे भी मुसलमान पिता को देखा है जिनकी बेटी के साथ निकाह मसियार और निकाह मुत्ता होता है और पैसे की खातिर वो अपनी बेटियां बेचते और खरीदते हैं, इस्लाम है भाई। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हमारे मुसलमान बलात्कार भी करते हैं, गला भी रेतते हैं, बेटी बेचते खरीदते भी हैं, और आपने जो घटना बताई उस हिसाब से तो अब पजामा खोल करके बेटों को भी परोसना स्टार्ट किया है। तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुसलमान अपने आप को पूरे ही इस राजनीतिक तंत्र के अंदर इररिलेवेंट बनाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अपनी बेवकूफियों की वजह से पूरा देश आगे बढ़ गया लेकिन मुस्लिम समाज आज भी वहीं अटका हुआ है, सोच से, हर लिहाज से। बहुत जरूरी है कि आगे बढ़े, लेकिन कोशिशें सरकारें बहुत करती हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, महिलाओं का कुछ उत्थान हो जाए, लेकिन आखिरकार धर्म के जाल में फंसा कर उनको वहीं पर अटका कर रखा जाता है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये हमें खासतौर से इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा नजर आता है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह हमें नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मौलाना है उनका बहुत ज्यादा से है लोगों की डे टू डे लाइफ में, और कहीं जितने भी मुस्लिम ममालिक के वहां पर हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि धर्म आपके लिए है, आपको कोई थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन जितना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लोगों की लाइफ में मौलानाओं का नजर आता है उसकी वजह से काफी हद तक समाज पीछे नजर आता है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने काफी कोशिशें की, उम्मीद करते हैं कि आगे भी
उसको जारी रखा जाए, और अब जो एनडीए की सरकार बनी है तो यूसीसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि शायद क्योंकि अलायंस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यूसीसी पे उनका अग्रीमेंट नहीं होता, वो अग्री नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो पाएगा? आपको क्या लगता है यूसीसी पे कुछ होता हुआ देखेंगे हम? नहीं नहीं, मोदी जी ने हमेशा अपने फैसलों को अटल रखा है। मोदी जी हमेशा देश के हित में काम करते आए हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन इस 10 साल के उनके कार्यों में मैंने तो नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा है। मैंने अगर हिंदू मोहल्लों को विजिट किया है तो उससे कहीं ज्यादा मुसलमान मोहल्लों को मैंने विजिट किया है, तो मैंने और योजनाओं को मैंने जाकर के घर घर तक पहुंचाया है। सो आई डोंट थिंक कि किसी के प्रेशर में आकर के या एनडीए गठबंधन की एक सरकार बनी है इसलिए मोदी जी अपने कर्तव्यों के पालन से वो पीछे हट जाएंगे, ये मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। जो उन्होंने वायदा किया है, जो उन्होंने इस देश के वासियों से वायदा किया है, जो उन्होंने इस देश की बेटियों से वायदा किया है, वो जरूर पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। देखिए, हम पिछले 10 साल से एक चीज अंबर सुनते हुए आ रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। मैंने जब पूरा डेटा निकाला, मैं दिल्ली में ही थी, मैंने पूरा जब डेटा निकाला तो मैंने देखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 इयर्स। मैंने यूपीए गवर्नमेंट का भी निकाला और मैंने एनडीए गवर्नमेंट का भी निकाला। उसके बाद जब मैंने देखा कि यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से 2014 में 27 मिलियन जॉब क्रिएट किए गए थे, उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में 85 मिलियन जॉब सिर्फ 8 साल में ही क्रिएट कर दिया गया था और जॉब मिल गया था। आज जब मैं सुबह में एक डिबेट में थी, मैंने सिर्फ इतना पूछा, कहाँ मिला जॉब? मैंने कहा एक चाय की टपरी भी बनती है ना, तो उसमें भी 5 आदमी की जरूरत पड़ती है, वो भी जॉब होता है। तो इतने सारे जो एम्स बने, इतने सारे जो रेलवे आए, इतने सारे जो एयरपोर्ट्स बने, इतने सारे जो फैक्ट्रीज बनी, इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, इतने सारे जो मील्स बने, तो इसमें जॉब बिना मतलब खाली है क्या सब कुछ? वहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? सब में तो लोग हैं। एक एयरपोर्ट बनता है अंबर, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक एयरपोर्ट बनता है उसमें 50,000 जॉब होते हैं, मतलब बहुत छोटे एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। 50,000 जॉब तो यहीं पर एक एयरपोर्ट से मिल गया जो छोटा एयरपोर्ट है, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट चले जाए तो मुझे लगता है कि 4-5 लाख उसमें जॉब्स होंगे, 4-5 लाख से ऊपर ही जॉब्स होंगे उसमें। तो ऐसे कई एयरपोर्ट्स हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना, तो वो जॉब्स तो वहां पर तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो जॉब किसने दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ पर टिका हुआ इंडी अलायंस का पर्दाफाश हो चुका है, इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेताओं का के चेहरे से हिजाब उठ चुका है, और अंत में जो ये खटाखट 1 लाख रुपए का जो षड्यंत्र और साजिश खेला गया था, इसकी वजह से वाकई में वोट हमें कम मिले, हमें जो सीटों के बारे में सोचा था वो कम मिला, लेकिन इंडी अलायंस का चरित्र सामने आ गया है कि सिर्फ राजीव गांधी झूठ और धोखाधड़ी नहीं करता था, राहुल गांधी भी वही करता है और वही सीखा है जो राजीव गांधी करता आया था। बिल्कुल, चुनाव में किसी भी तरह की झूठ और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है, हम दुनिया की सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन ट्रू सेंस हम इसको बरकरार रखें बहुत जरूरी है। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर ज़ैदी और नाज़िया अलाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया खान इन शांति दूतों से लेकर मजहब के ठेकेदारों से काफी ज्यादा नाराज और गुस्सा नजर आई, और आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और जैसे कि आपने देखा नाज़िया अलाई खान जी ने जोर डाला यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता। मुझे भी ये लगता है कि हमारे देश में अब इस कानून की काफी ज्यादा आवश्यकता है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।